देखिए दोस्तों, ये कोना का सेमी मॉडल प्लेट है। इसमें 5 mm का सॉकेट लगा है प्लग, और ये 5 mm का स्विच लगा है। ये रेगुलेटर सॉकेट टाइप का है, आप चाहो तो स्विच टाइप का भी रेगुलेटर है आप लगा सकते हो। ये रहा स्विच टाइप का, ऐसे आता है कोना का भी ऐसे आता है। फिलहाल ये तो ऑटोमेटिक है, ऐसा इस तरह स्विच टाइप का रेगुलेटर कोना का भी आता है, आप चाहो तो कोना का भी लगा सकते हो रेगुलेटर। फिलहाल मैं ऐसा कट टाइप का रेगुलेटर लगा रहा हूँ। देखिए दोस्तों, कोना का भी ये बहुत अच्छी चीज़ दिया है कि आपको स्विच बोर्ड में इंडिकेटर लगाने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पे आपको कंपनी इंडिकेटर दिया है, स्टाइलिश भी लगेगा। इसमें कनेक्शन करने का एक फेज में लगेगा और दूसरा न्यूट्रल में लगेगा, ये हमेशा जलते ही रहेगा इंडिकेटर। ये देखिए यहाँ पे इसका जगह है, यहाँ पे हमेशा जलता रहेगा फिटिंग करने के बाद। सॉकेट टाइप का रेगुलेटर आप लगाएंगे तो आपका रेगुलेटर ज़्यादा दिन लास्टिंग करेगा, वरना आप स्विच टाइप का रेगुलेटर लगाओगे तो बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा। फिलहाल ये स्टेप वाला रेगुलेटर है, सॉकेट टाइप का स्टेप वाला रेगुलेटर है। आप चाहें तो वॉल्यूम वाला भी रेगुलेटर लगा सकते हो। फिलहाल ये स्टेप वाला रेगुलेटर ज़्यादा लास्टिंग करता है, इसलिए मैं स्टेप वाला रेगुलेटर ही लगाया हूँ सॉकेट टाइप का। देखिए ये हो गया, अब इसको फिटिंग करते हैं स्विच बोर्ड में।